हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल पढ़ाई का कवच। माई सेल्फ तौसिफ सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेकंड सेक्शन ऑफ दिस यूनिट नंबर 13, इंडिया लोकेशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। इन आवर फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द इंडिया लोकेशन साइज एंड एरिया ऑफ इंडिया, एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टेक्टोनिक प्लेट्स एंड ड्यू टू देयर convergence and divergence, how the various kinds of landforms are generated due to this process. So let us start. So first we will talk about the geological structure. First point, the current physiography of India is the result of tectonic and crustal movement of the earth. Both constructive as well as destructive effect of this movement can be seen. The knowledge about the interior of the earth is very interesting. The crust of the earth floats over the semi-liquid rocks of the asthenosphere. तो जैसा कि हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के सरफेस के अंदर नीचे चले जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है, और कुछ किलोमीटर से नीचे की अगर डेप्थ में अंदर जाए हम तो वहाँ पे जो रॉक्स है वो मेल्टेड फॉर्म में होते हैं, यानी कि वहाँ पे मॉल्टन रॉक्स होते हैं जिसका तापमान बहुत ही ह्यूज होता है। तो इसलिए पृथ्वी के अंदर की जानकारी बहुत ही रसप्रद होती है। अभी की जो भारत की फिजियोग्राफी है, यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ, फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब होता है हमारा जो कुदरती विज्ञान है, नेचुरल साइंस है, उसके अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं, यानी कि एटमोसफियर के अंदर जो वाटर बॉडीज है उसके अंदर, बायोस्फीयर यानी कि जो भी जंगल है, पेड़ पौधे हैं, पोल्स है हमारे, वहाँ पे जो बदलाव आ रहे हैं, इन सभी का समावेश फिजिकल जियोग्राफी के अंदर कहा जाता है। फिजियोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी विच डील्स विद द नेचुरल साइंस। Heat is generated due to the radioactive process in the interior of the earth. It tends to reach the surface of the earth by generating convectional currents. धरती के अंदर radioactive processes होती रहती है और उसके कारण तापमान बहुत ही बढ़ता रहता है। कभी कभी बार convection current से, यानी कि जो heat का conduction होता है liquid के अंदर, उसके कारण ये सरफेस के ऊपर आ जाते हैं मॉल्टन रॉक्स, जिसे हम ज्वालामुखी वॉल्केनो के स्वरूप में जानते हैं। दिस अपवर्ड करंट्स ब्रेक द अपर लेयर्स इनटू लार्ज पीसेस विच आर नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स। जब भी ये करंट्स वहाँ से बाहर आते हैं, यानी कि मॉल्टन रॉक्स वहाँ से बाहर आते हैं, तो वहाँ से वो प्लेट जो है वो डिवाइड हो जाती है, और इसी को कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स और लिथोस्फेरिक प्लेट्स। There are total 7 major tectonic plates are present currently. The name is according to this: Pacific plate, North and South America plate, Eurasian, African plate, Indo-Australian plate and Antarctic plate. उसके बाद आता है convergent और divergent process. So what is the meaning of convergent and what is the meaning of divergent? इनका मतलब क्या होता है? Convergent किसे कहते हैं, divergent किसे कहते हैं? At some places, these plates are drifting away from each other, which are known as divergent plates. यानी कि suppose इस तरीके से plate का shape है, ठीक है? और अगर ये plate एक दूसरे से दूर जा रही है, in this way, it is moving away from each other, then the plate is known as divergent plates. और उसका उल्टा कन्वर्जेंट प्लेट्स, एट सम प्लेसेस द प्लेट्स व्हिच इज कम क्लोजर टू ईच अदर, इट इज नोन एज कन्वर्जेंट प्लेट्स। इट इज वेरी सिंपल हाउ द प्रोसेस विल टेक्स प्लेस, डाइवर्जेंस प्रोसेस एंड कन्वर्जेंस प्रोसेस। ड्यू टू द डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस प्रोसेस फोल्ड एंड फॉल्ट टेक्स प्लेस। अब ये फोल्ड एंड फॉल्ट का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले तो अगर प्लेट डाइवर्ज हो रही है इस मैनर में,
डाइवर्ज होना मतलब एक दूसरे से दूर जाना, तो वहां पे जमीन में दरार पड़ती है इस तरीके की, इसे कहा जाता है फॉल्ट। ठीक है, और जब प्लेट एक दूसरे के नजदीक आती है, पहले ऐसी थी, और नजदीक आने के बाद कुछ ऐसे शेप में आ गई, ठीक है, तो फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होना मतलब एक के ऊपर दूसरे का चढ़ जाना, इट इज कॉल्ड फोल्ड। हम बोलते हैं ना पीजिस को फोल्ड कर दो, मतलब एक के ऊपर दूसरा पीज रख दो। ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ दिस प्लेट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, शेप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स एज वेल एज देयर लोकेशंस हैव चेंज्ड। द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टेक्टोनिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज ऑन द अर्थ। डाइवर्जेंस की वजह से ही, डाइवर्जेंस मतलब एक दूसरी प्लेट का एक दूसरे से अलग जाना, तो इसी अलग जाने से जो अंदर का लावा है जिसे हम मोल्टन रॉक्स कहते हैं, अलग जाने की वजह से वो जमीन को फाड़ के बाहर निकलता है और उसी को हम वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। एंड दिस वॉल्केनिक एक्टिविटी इट इज ओनली ड्यू टू दिस डाइवर्जेंस प्रोसेस। वेरेवर दिस रिफ्टिंग प्लेट्स हैव कोलाइडेड विद वन अनदर इट हैज रिजल्टेड इनटू माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। और स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जो हमारी हिमालय रेंजेस है, पर्वत श्रृंखलाएं जो हमारे यहाँ पे है, वो इन कन्वर्जेंस की वजह से ही पैदा हुई है। एक दूसरी प्लेट एक दूसरे से कोलाइड करती है, मतलब मिलती है, और जब एक्सेसिव प्रेशर के कारण एक दूसरे से ज्यादा, वो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा प्रेशर मारती है, तो वहां पे माउंटेन रेंजेस क्रिएट होती है। Wherever these plates drift away, fissures are created within landforms and oceans. अगर एक दूसरे से अगर ये प्लेट दूर जाती है तो वहां पे फिशर्स यानी कि जगह, बड़ी बड़ी खाई बनती है। खाई मतलब जैसा कि आपको मालूम है, खाई में भी हो और कुछ तो समझाना नहीं होता। द कंटिनेंट सिचुएटेड अलोंग दिस फिशर्स आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट कंटिन्यूअसली। मतलब इस कोने के ऊपर जो भी कंटिनेंट्स यानी कि प्रदेश आए हुए हैं, वो एक दूसरे से कंटिन्यूअसली अलग होते जाते हैं। सच प्लेट्स आर कॉल्ड डाइवर्जेंट प्लेट्स। उसके बाद है गोंडवाना लैंड। चलिए आइए देखते हैं। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ वेरी वास्ट एंड एंशियंट लैंड मास नोन एज द गोंडवाना लैंड। यानी कि एक जमीन के हिस्से का भाग था हमारा भारत कि जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। दिस लार्ज लैंड मास कंसिस्टेड ऑफ द प्रेजेंट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्कटिका। अभी का जो हमारा प्रेजेंट लैंड मास है यानी कि जमीनी स्तर है, उसके साथ साथ पहले कौन कौन से देश साथ में जुड़े हुए थे, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्कटिका। ओवर अ पीरियड द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग ग्रेजुअली टूवर्ड्स नॉर्थ। यानी कि जो ये पूरा रीजन साथ में हुआ करता था, उसमें से ये प्लेट जो है वो अलग होने की शुरुआत होने लगी और वो नॉर्थ की तरफ जाने लगी। मतलब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये दूर जा रही है। ठीक है, इट इज सो बिलीव्ड दैट दिस प्लेट कोलाइडेड विद द लार्ज यूरेशियन प्लेट बिफोर अबाउट 5 करोड़ ईयर्स। 5 करोड़ साल पहले जहाँ पे हिमालयन रेंजेस है वहाँ पे ये प्लेट एक दूसरे से टकराई और वहाँ पे हिमालयन रेंजेस कंस्ट्रक्ट हुई। हिमालयन माउंटेन सिस्टम इमर्ज्ड ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक इंडो यूरेशियन प्लेट जो थी उसकी यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने के कारण हिमालयन माउंटेन सिस्टम इमर्ज हुई, यानी कि वहाँ पे पैदा हुई हिमालयन माउंटेन रेंजेस। अ लार्ज वैली वॉज फॉर्म्ड टू द साउथ ऑफ द हिमालयन सिस्टम wherein alluvial sediments were deposited by the rivers flowing from north and south of it. A large valley was formed to the south of the Himalayan system. Himalayan ki southern side mein badi badi khai jo hai wo paida hui ki jahan pe alluvial sediment were deposited by the rivers flowing from north and south of it. Wahan se jaane wali nadiyon ke karan wahan pe daldaliya maidan pradesh bicha. Thus the Ganga plain between Himalayas and the southern peninsula was formed. गंगा के मैदानी प्रदेश जो है इसकी वजह से फॉर्म हुए। फॉर्मेशन ऑफ अरेबियन सी, अरब समुद्र का कंस्ट्रक्शन। अब कोई समुद्र बनाने तो नहीं जाता, लेकिन ये ड्रिफ्टिंग अवे और कोलोजन की वजह से ही बनता है। अ ह्यूज वॉल्केनिक इरप्शन टुक प्लेस इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द प्लेटू वॉज डिसइंटीग्रेटेड एंड वॉज सबमर्ज्ड। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अरेबियन सी। यानी कि नॉर्थ वेस्ट
नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है कि सपोज ये भारत है, तो भारत का वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट साइड का रीजन, वेस्ट और नॉर्थ यानी कि ये वाला रीजन, ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट हुआ यानी कि उससे अलग हुआ और सबमर्ज हो गया, सबमर्ज यानी कि पानी में डूब गया। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अरेबियन सी, उसकी वजह से वहां पे समंदर का निर्माण हुआ। ड्यू टू दिस सबमर्जेंस द वेस्टर्न घाट्स बिकेम मोर डिस्टिंक्ट। हमारे भारत में जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं यानी कि गोवा के नीचे, सपोज अगर ये मैं कहूँ कि ये गुजरात, थोड़ा चला लेना, यहाँ पे जो ये वेस्टर्न घाट्स है वो बहुत ही इंटेंस हुए यानी कि वहाँ पे गाढ़ जंगलों का निर्माण हुआ। डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी का मतलब होता है मैदानी प्रदेश, लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस, डाइवर्सिफाइड एटमॉस्फियर एंड बायोस्फियर, कैसे भारत के अंदर निर्माण हुए। लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस आर सीन इन द नॉर्थ, हमारे भारत में बहुत ही लॉफ्टी, लॉफ्टी यानी कि बड़ी ऊंची ढलानों वाली पर्वत श्रृंखला है हमारे भारत के अंदर है, नॉर्थ यानी कि उत्तर के अंदर। मैनी प्लेटूज समिट्स एंड पासिस आर सीन विद इन दैम, यानी कि वहाँ पे सिर्फ लॉफ्टी रेंजेस ही नहीं है, वहाँ पे पासिस भी है कि जहाँ से एक दूसरे की ओर जाने का रास्ता भी बने। गंगा यमुना एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्लो इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तर के मैदानों के अंदर गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती है। देयर अलूवियल डिपोजिट्स हैव फॉर्म्ड दिस प्लेन, उनके अलूवियल डिपोजिट यानी कि उनकी जो मिट्टी थी उसकी वजह से ये बड़े बड़े मैदान जो है वो जनरेट हुए। टू एजेस इन द फॉर्म ऑफ घाट्स ऑन टू साइड्स ऑफ द प्लेटो, एक हुआ वेस्टर्न एक हुआ ईस्टर्न घाट। घाट का मतलब होता है कि जहाँ पे इन द वेस्टर्न घाट्स द प्लेटो इज क्रिएटेड, इन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न साइड द घाट्स आर फॉर्म। घाट मतलब जहाँ पे एक साइड पे जमीन हो दूसरी साइड पे समंदर हो, ऐसा प्रदेश। कोस्टल प्लेन्स आर सिचुएटेड ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन्स, कोस्टल प्लेन्स यानी कि समंदर के किनारे के प्रदेश जो है वो उत्तर सॉरी पूर्व और पश्चिम की ओर जनरेट हुए। थस इंडिया हॉल्स डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी, इसलिए भारत की फिजियोग्राफी जो है, फिजियोग्राफी यानी कि हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर बायोस्फीयर ये सारी चीज़ों का इंक्लूजन हो के जो जियोग्राफी जनरेट होती है उसे फिजिकल जियोग्राफी कहते हैं। सो इंडिया होल्ड्स अ डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।